हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर, जहां पर निबू रूल्स एंड एयरड्रॉप के बारे में सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। आपके लगभग सारी डाउट्स जो है इस वीडियो को देखने के बाद में क्लियर हो जाने वाली है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखना और लाइक आप अभी से कर दीजिए, बिकॉज वो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन देता है और इतना सा फेवर तो आप कर ही सकते हो। फिलहाल प्राइस की अगर हम बात करें गाइस, तो आप देख सकते हो $0.37 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, जो कि काफी डाउन आ चुका है। अगर हम सीएमसी पर लिस्टिंग के टाइम की इसकी प्राइस की बात करें तो वो था इंडियन रुपीज में ₹75 के आसपास, और डॉलर में आप देख सकते हो लगभग $0.9293 तक भी ये हुआ था वहां पर, अगर सीएमसी की अगर हम बात करें, जो कि काफी अच्छी खासी वैल्यू थी। फिलहाल के टाइम पर अगर टेस्टनेट एयरड्रॉप की जो वैल्यू की बात करें, बिकॉज काफी लोगों को उससे रिलेटेड भी डाउट है, तो कहने के टेस्टनेट की अगर हम बात करें गाइस, तो यहां पर टोटल जो पॉइंट्स थे, जैसा कि हम एक्स एयरड्रॉप की बात करें तो वहां पर हम नीवी पॉइंट्स अर्न करते हैं, जैसा कि मेरे अगर पॉइंट्स की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा है। काफी यूजर्स के 1 लाख भी होंगे अगर उन्होंने टास्क कम किए होंगे, कुछ लोगों के 2.5 लाख भी हैं, और काफी मेरे खुद के यूजर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं उनके 2 लाख से भी ज्यादा है, तो ये डिपेंड कर किया होगा उनके टास्क पर। तो उसी तरह से टेस्टनेट का भी सेम सीन था, जिसने अगर ज्यादा टास्क कंप्लीट किए होंगे तो उनको ज्यादा पॉइंट्स मिले होंगे, लेकिन मैक्सिमम गाइस 14,000 पॉइंट्स ही थे, काफी कम पॉइंट्स थे। आप देख सकते हो टेस्टनेट 1 में टोटल 7,300 थे, और कहीं ना कहीं जो टेस्टनेट 2 था, जहां पर आप देख सकते हो कि आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ टास्क कंप्लीट करने थे, 4,000 कॉइन यहां पर मिले होंगे आपको, 4,000 नेवी पॉइंट्स, और उसके अलावा जो ट्रेडिंग के लिए, यानी कि ट्रेडिंग और स्वैपिंग वाला जो था टेस्टनेट 3, तो वहां पर आपको 2700 पॉइंट्स मैक्स टू मैक्स आप इतना ही अर्न कर सकते थे। कुछ टास्क आप में से कई लोग अर्न नहीं भी कर पाए होंगे, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो लोगों को 5,000 पॉइंट्स भी यहां पर मिले होंगे लोगों को टोटल, कुछ लोगों को जो पूरे के पूरे 14,000 पॉइंट्स भी मिले होंगे। तो उसी बेसिस पर जब मैंने रिसर्च किया तो गाइस, जो मैक्सिमम वैल्यू लोगों को मिली है वो मिली है लगभग $60 और $70 के अराउंड मैक्स टू मैक्स, और मिनिमम की अगर हम बात करें तो वो तो गाइस $5, $10, $25, $30, मतलब रेंज अगर हम कहें तो $10 से $70 के बीच में ये प्राइस जो है कहीं ना कहीं वेरी कर रही थी एयरड्रॉप की, जो नेबरू चेन से टेस्टनेट वालों को मिला है। और अगर हम नेबी कॉइन्स की बात करें, जैसा कि अगर हम बात करें यहाँ पर नेबी कॉइन जो है, अगर नेबरू चेन कॉइन की बात करें, तो वो था 120, 70, 60, 50, इस तरह से काउंट उनको मिला है। 10 जो थे गैस फी के लिए वो तो लगभग सभी को मिले हैं जिन्होंने भी एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो किसी भी एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट किया हो, एक्स वाला या फिर टेस्टनेट वाला। तो गाइज अब देखिए, मेरा यहाँ पर एक सजेशन और भी रहेगा उन सभी लोगों को जिन्होंने टेस्टनेट में पार्टिसिपेट किया था या फिर जो क्लेम करने वाले हैं एक्स एयरड्रॉप को। जैसा कि आप देख सकते हो प्राइस काफी डाउन है, मार्केट भी डाउन है, अगर हम आप देखोगे तो सडन डंप देखने को मिला है पिछले 24 आवर के अंदर। तो निबरू का जो प्राइस प्रेडिक्शन है गाइस, वो मेरे अकॉर्डिंग $1 से काफी ऊपर रहने वाला है, $1.50, $2 के अराउंड। हालांकि अगर आप देखोगे जो बड़े बड़े प्रेडिक्टर हैं, वो तो इसका प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं $4 से $5 भी लगाते हैं। तो आप देख सकते हो कि हार्विंग के बाद में मार्केट थोड़ा सा डाउन आता है फिर उड़ता है, तो उस टाइम पर अगर आप सेल करोगे तो आपको ज्यादा वैल्यू भी मिल सकती है। जो लोग अभी बोल रहे हैं कि मुझे $30 की वैल्यू मिली है, तो अगर आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो गाइस इस रेंज में अगर आप सेल करते हो तो आपको वो वैल्यू डबल मिलेगी। और कहीं ना कहीं एक चीज और भी मैं आपको बता दूं कि जो आपको अभी कॉइन्स मिले हैं, जितने भी आपको वैल्यू मिली है निबरू चेन से, तो वो आपकी सिर्फ 50% ही आपको मिली है। जैसा कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इनके अपडेट्स में भी ये सारी चीजें दिखा रखी इन्होंने अच्छे से, कि आपके सिर्फ 50% ही अनलॉक हुए हैं, आपको इतना ही सेम वैल्यू आपको 2 किस्तों में और मिलने वाली है अगले 2 महीनों के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं आप देख सकते हो लीनियर वेस्ट यहां पर बोला हुआ है इन्होंने 2 मंथ्स का। अब एक चीज और भी यहां पर डाउट होगी आप में से काफी लोगों की, कि निबरू टेस्टनेट एयरड्रॉप में जो अलोकेशन था वो था 7.5 मिलियन और एक्स एयरड्रॉप के लिए 15 मिलियन, यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो टेस्टनेट के लिए काफी कम एलोकेशन था, लगभग हम कह सकते हैं आधा था कंपेयर टू एक्स एयरड्रॉप। तो ये जो था यहाँ पर लोगों ने पार्टिसिपेट तो किया था, कुछ लोगों ने टास्क कम ज्यादा जरूर किए होंगे, लेकिन पार्टिसिपेशन के जो काउंट थे वो यहाँ पर भी काफी अच्छे खासे थे। लेकिन एक्स एयरड्रॉप में तो जो पार्टिसिपेंट का काउंट है वो काफी ज्यादा था गाइस, यानी कि आपको पता होगा ये लगभग सभी निकले। लेकिन जो प्रॉब्लम आई थी वो आई थी डिस्कॉर्ड वाले में, जैसा कि अगर हम बात करें जो डिस्कॉर्ड का वेरिफिकेशन था, जो 2 रोल हमें लेने थे, तो यहाँ पर कई यूजर्स नहीं ले पाए, इवन हमारे यूजर्स भी हैं जो ये काम नहीं कर पाए थे। मैंने कुछ लोगों की पर्सनली भी हेल्प की थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं जिन्होंने या तो वीडियो अच्छे से नहीं देखा होगा तो वो लोगों का नहीं हो पाया है, तो ये तो थोड़ा सा बेड न्यूज है, लेकिन काफी लोगों का नहीं हुआ है, ये सीरियस है थोड़ा सा ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15 मिलियन नेवी पॉइंट्स यहाँ पर अलोकेटेड हैं, यानी कि इतने कॉइन हमें मिलने वाले हैं, और उससे भी ज्यादा गुड न्यूज ये है कि 60% अनलॉक होने वाले हैं पहले स्टार्टिंग में, यानी कि 7 अप्रैल को जैसे हम इसको क्लेम करेंगे तो जो वैल्यू होगी हमारी, जितनी भी वैल्यू हमें मिली होगी एयरड्रॉप के रूप में, तो 60% उसका अमाउंट हमें एक बार में शुरुआत में ही मिल जाएगा। देन जो 40% बचेगा वो हमें 2 मंथ के लीनियर वेस्ट में, यानी कि 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा मंथली बेसिस पर, तो ये इस तरह से मिलने वाला है। अब एक यहाँ पर ये भी क्वेश्चन था गाइस काफी लोगों का आप में से, ये डिमांडिंग क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, क्योंकि काफी लोग इस क्वेश्चन को बार बार पूछ रहे थे कि जो टेस्टनेट के 14,000 पॉइंट थे, मैक्स टू मैक्स 14,000 पॉइंट्स हम क्लेम कर पा रहे थे, तो ये क्या वही पॉइंट्स हैं जो सेम पॉइंट्स जो कि एक्स एयरड्रॉप के लिए हैं,
क्योंकि यहाँ पर जो कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो नीबी पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को मिल रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर अगर हम मिनिमम केस में भी देखें तो आप अगर आप में से किसी ने दो चार दिन भी लगातार ये टास्क जो है कंप्लीट किए होंगे तो उनके भी कहीं ना कहीं 1,00,000 या 50,000, 60,000, 70,000 पॉइंट्स तो बन ही गए होंगे डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो अगर ये पॉइंट्स टेस्टनेट वाले पॉइंट्स के हिसाब से सेम हुए, जैसा कि यहाँ पर सिर्फ 14,000 थे जो कि मैक्स टू मैक्स मिल सकते थे, फिर तो गाइस जो एक्स एड्रॉप है उसकी वैल्यू काफ़ी अच्छी खासी मिलेगी लोगों को, जो कि हमें 7 अप्रैल को पता चली जाएगा। उसके अलावा गाइस आप में से काफ़ी लोगों की डाउट थी कि क्लेम कैसे करना है और जो वॉलेट था वहाँ पर हमें वो पॉइंट्स भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो गाइस अगर आपने केपलर वॉलेट यूज़ किया था तो वहाँ पर एक सेक्शन आपको सेपरेटली नज़र आ जाता है एड चेन का, तो आपको जस्ट सर्च ही करना है निबुरू। अगर आपने मोबाइल ऐप भी आप रख सकते हो वहाँ पर थोड़ा आसानी से आपको मिल जाएगा, जैसे आप सर्च करोगे तो आपको निबुरू चेन ऑप्शन मिल जाता है, उसको ऐड कर लीजिएगा तो आपको जो 10 कॉइन थे वो नज़र वहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। ये भी कुछ लोगों ने पूछा था इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। बाकी 7 अप्रैल को गाइस मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हमें क्लेम करना है, सारी लाइव हम देखेंगे, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप वो अच्छे से देख पाएं और आप कोई मिस्टेक वहां पर ना करें। दूसरी चीज गाइस, जो लीनियर वेस्ट है वो मंथली बेसिस पर होगा। ये लोग पूछ रहे थे कि ये 2 मंथ का लीनियर वेस्ट का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये 2 मंथ की इंस्टॉलमेंट में हमें मिलने वाला है, यानी कि जितनी वैल्यू हमें मिलेगी उतनी वैल्यू हमें कहीं ना कहीं आधी वैल्यू, जैसा कि यहाँ पर टेस्टनेट के केस में आधी आधी मिल रही है, तो आधी वैल्यू जितनी भी उनको मिली होगी, सपोज किसी को अगर 100 नीबी कॉइन मिले हैं तो आने वाले टाइम पर उसको 100 और मिलेंगे 50-50 करके दो मंथली वाइज पे उनको मिलने वाले हैं। तो ये रहा एड्रॉप का सीन सारा का सारा और हम क्लेम करेंगे इसको 7 अप्रैल को, तो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहना। बाकी कुछ लोगों का जो ये कनेक्टिंग वाला सीन है अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि लिंक मेरा यहाँ पर दिखा रहा है लेकिन काफ़ी लोगों का नहीं हो पाता है। तो गाइज मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप अगर फ़ोन में यूज़ कर रहे हो तो आप कीवी ब्राउज़र यूज़ कीजिए या फिर मिसेस ब्राउज़र, क्योंकि वहाँ पर ये थोड़ी जो वेबसाइट है वो काफ़ी अच्छे से स्मूथली रन करती है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो ये आप वहाँ पर ट्राई करेंगे तो आपका हो जाएगा, एक दो बार रिफ्रेश करने से ये आपका काम हो जाएगा और आपके नीबी पॉइंट्स यहाँ पर नज़र आ जाएंगे और इसी के बेसिस पर हमें वो जो कॉइन्स हैं नीबी कॉइन वो मिलने वाले हैं। तो वैल्यू ऐसा भी नहीं है इसकी काफ़ी कम है, और मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा अगर इसका प्राइस जो है निबुरू चेन का जो प्राइस है, जैसा कि अभी आप देख सकते हो 40-35 रुपये की रेंज में फंसा हुआ है, तो ये काफ़ी उड़ेगा गाइज अगर आप ऑन द स्पॉट आपको मिलेगा 7 अप्रैल को। हो सकता है कि ये प्राइस ज़्यादा ना बढ़े, उस टाइम पर आप इसको होल्ड कर सकते हो और राइट टाइम आने पर अगर आप इसको सेल करोगे, जो कि मैं आपको बता ही दूंगा डेफिनेटली, अपडेट्स में कंटिन्यूसली देता रहूँगा निबुरू चेन को लेके, तो इस रेंज में या फिर अच्छी खासी रेंज पे ये जाता है लगभग $1 के आसपास। अगर हम वहाँ पर सेल करते हैं तो ये एयरड्रॉप हमारे लिए हो सकता है कि 200, 300, 400 या $500 तक की भी वैल्यू दे दे, जो कि बुरी बात नहीं है गाइज, ये अच्छी खासी वैल्यू कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं। दूसरी चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा कि जो भी लोग एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट काफ़ी कम करते हैं तो वो काफ़ी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं गाइज, क्योंकि अभी के टाइम पर जितने भी एयरड्रॉप्स हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी खासी वैल्यू देते हैं। कुछ सिंपल टास्क करने के भी हमें $20-30 भी अगर फ्री में मिल रहे हैं तो वो बुरी डील नहीं है गाइस। तो एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट करना आप अभी से शुरू कर दीजिए, जो भी आप कर सको। कुछ में अगर फीस वगैरह लगती है तो उनको आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जो फ्री में हो रहे हैं उनको तो आप डेफिनेटली कीजिए। और मैंने आपको 3 वेबसाइट बता रखी है, एयरड्रॉप अलर्ट, एयरड्रॉप किंग्स, airdrop.io, तो इन सबको आप ट्राई करते रहें, डेली बेसिस पर चेक करते रहें। थोड़ा सा 10-15 मिनट का आपका समय जरूर जाएगा, लेकिन आप अच्छे अच्छे एयरड्रॉप्स में डेली बेसिस पर पार्टिसिपेट करते रहें ताकि आपको फ्री में भी कुछ अर्निंग करने का मौका यहाँ पर मिले, और जो कि काफ़ी बढ़िया हो रही है अभी के टाइम पर, तो ये एक बेस्ट पार्ट है। दूसरा, आप डिस्क्रिप्शन को भी थोड़ा सा चेक कर लेना, जहाँ पर आपको कुछ माइनिंग प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेंगे तो उनको भी आप ट्राई करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में हमें उनसे भी अच्छी वैल्यू मिल जाए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें गाइज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी कमेंट आप कर देना आपका क्या ख्याल है कि कितनी वैल्यू एक्स एयरड्रॉप वालों को मिलेगी। बाकी मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।